हेलो दोस्तों, ये एक इमरजेंसी क्विक अपडेट वीडियो है मार्केट क्रैश रिलेटेड। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। बिटकॉइन, इथेरियम सहित जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, सोलेना, डॉट, बीएनबी, एडीए, सभी को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। अगर मीम प्रोजेक्ट की बात करें, मेटावर्स प्रोजेक्ट, या यहाँ पर हम बात करें गेमिंग टोकन की, सभी को दोस्तों बड़ा झटका लगा है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा यहाँ मार्केट हमें रेड देखने को मिल रहा है। मार्केट क्रैश क्यों हुआ है, इसके पीछे दोस्तों 3 से 4 ऐसे रीज़न जिन्हें मार्केट क्रेश का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पहला है चाइना का एवरगेंडा। एवरगेंडा की ओर से एक स्टेटमेंट आता है कि वो 300 बिलियन डॉलर के लॉस में है, तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जैसा इनका स्टेटमेंट आता है, यहां पर मार्केट क्रेश की सिचुएशन बन चुकी थी। साथ ही दोस्तों चाइना गवर्नमेंट की ओर से बिटकॉइन माइनिंग रिलेटेड एक और अपडेट निकल के आती है। चाइना गवर्नमेंट बिटकॉइन माइनिंग को दोस्तों यहां पर ऑब्सोलेट इंडस्ट्री के अंतर्गत रख देती है, जहां पर ये दंडात्मक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाने वाले हैं, तो ये भी एक अपडेट आती है जिसे मार्केट क्रेश का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यूएस का स्टॉक मार्केट दोस्तों बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट दोस्तों बुरी तरीके से गिरा है। अगर हम बात करें तो 20 साल के इतिहास में यूएस का स्टॉक मार्केट इतनी गंदी तरीके से नीचे नहीं गिरा था। 20 साल के इतिहास में पहली बार यूएस का स्टॉक मार्केट यहां पर गिरता है, जिसमें टेस्ला जो कंपनी है उसके शेयर भी 7.8% तक डाउन हो चुके हैं। यानी टेस्ला को भी दोस्तों बड़ा झटका लगा है, अराउंड 8% तक टेस्ला यहां पर डिक्रीज हो चुका है। और साथ ही चाइना के जितने भी कॉन्सेप्ट स्टॉक है, सभी को बड़ा झटका लगा है। यानी ग्लोबल मार्केट दोस्तों पूरा यहाँ पर ग्लोबल मार्केट डिक्रीज हो चुका है, और इसके पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कोविड का जो नया वेरिएंट आया है उसे यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर उसी वजह से हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15% से ज़्यादा जो मार्केट है वो डिक्रीज हो चुका है लास्ट डे से अभी तक। मॉर्निंग में जब हमने वीडियो बनाया था तब अराउंड 7% तक जो मार्केट था वो डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 15% तक डिक्रीज हो चुका है मार्केट। हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को बड़ा झटका लगा है। 42,000 तक जो बिटकॉइन है वो पहुंच चुका था, अभी 47,000 डॉलर का समथिंग चलता हुआ नजर आ रहा है। फिर से रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन काफी बड़ा झटका लगा है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम दोस्तों 3500 डॉलर के समथिंग पहुंच गया था। अभी फिलहाल सभी में रिकवरी देखने को मिल रही है। 20% तक ये डिक्रीज हो चुके थे, लेकिन अभी फिलहाल रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन आगे नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि और कितना डिक्रीज जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पर अल्ट कॉइन की बात करें तो सोलेना, एडीए, एक्सआरपी जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है अराउंड 20% तक डिक्रीज हो चुके हैं। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट दोस्तों फिलहाल बुरी तरीके से क्रेश हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति है उन्हें बड़ा घाटा गया है। अगर आप यहाँ पर इलोन मस्क का देखोगे तो टेस्ला कंपनी के जो शेयर है 8% तक डिक्रीज हो चुके हैं, और इलोन मस्क को आप यहाँ पर देख सकते हो 15 अरब डॉलर का घाटा गया है। 15 अरब डॉलर का दोस्तों यहाँ पर इलोन मस्क को घाटा गया है। यानी जितने भी बड़े बड़े अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा है एक झटके में घटी दुनिया के रईसों की दौलत। जितने भी रईस व्यक्ति हैं दोस्तों बड़े बड़े अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्क जुगरबर्ग और सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सभी को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। ओवरऑल यहाँ पर ग्लोबल मार्केट फिलहाल क्रेश हो चुका है। दोस्तों अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें कि और कितना डिक्रीज जा सकता है, दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि बिटकॉइन और डिक्रीज हो सकता है, वो 40,000 डॉलर तक भी पहुंच सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है। तो अभी दोस्तों अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तभी मार्केट डिक्रीज जरूर हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अच्छा हमारे पास एक मौका बनता है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अच्छे अच्छे जितने भी प्रोजेक्ट है, सोलेना, कार्डेनो दोस्तों, और हम यहाँ पर अवलांचा की बात करें तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट है दोस्तों आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी आपको यहाँ पर पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना दोस्तों। अभी आप 25% तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखिए, कभी और डिक्रीज जाता है तो 25% वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। थोड़े थोड़े दोस्तों आपको पार्ट में एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप एक बार में एंट्री लेते हो और अगर यहाँ पर मार्केट डिक्रीज होता है तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये मार्केट जो क्रेश हुआ है ये हमें लंबे समय तक दोस्तों डिक्रीज देखने को मिल सकता है। मैं आपको दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ कि दिसंबर में हर साल मार्केट क्रेश होता है, इसलिए इस बार भी दोस्तों मार्केट क्रेश की सिचुएशन बनी हुई है और मार्केट क्रेश हो गया है। अगर हम अभी देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से क्रेश हो चुका है और भी यहाँ पर मार्केट के डिक्रीज जाने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप छोटे छोटे पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ पर आपको लगे राइट टाइम एंट्री लेने का वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल वेट करना है और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपने किसी भी कॉइन को बाय करके रखा है और अभी डिक्रीज हो चुका है तो उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों जितने भी छोटे इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ पर बड़ा घाटा लगा है, एक बड़ा झटका लगा है। अराउंड 25% तक हमारा जो यहाँ पर पोर्टफोलियो है वो डिक्रीज हो चुका है।
तो अभी दोस्तों फिलहाल आपको कोई भी कॉइन को यहाँ पर सेल नहीं करना है। अभी अगर हम यहाँ पर सेल कर देंगे तो बड़े लॉस में चले जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर मार्केट रिकवर करेगा हमारे जो यहाँ पर पोर्टफोलियो है फिर से हमें रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। अभी तो फिलहाल दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि कुछ टाइम तक यहाँ पर मार्केट हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ टाइम तक जो मार्केट की सिचुएशन है यही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट तक लॉस में चले गया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।